हेलो गाइस, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन की सूचना आप तक पहुंच सके। आइए आज हम बात करते हैं क्रिया टॉपिक के बारे में, जिसका कल एक पार्ट अपलोड किया जा चुका है। जिसकी अभी तक आप लोगों ने ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में आप जाकर तुरंत उसे देख लें। आज हम बात करते हैं क्रिया के सेकंड पार्ट की। आइए बात करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट अवश्य करिया करिए, आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे क्या वीडियो कैसा लग रहा है, क्या रिस्पांस है, क्या चीज़ नया जोड़ना है, क्या पुराना करना है, कुछ लोग आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए आप लोग कमेंट ज़रूर करिए। आइए आज हम शुरू करते हैं 22वां क्वेश्चन पे, 21वें क्वेश्चन, 22वें क्वेश्चन को। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, आप लोगों को बताना है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। चलिए, ए में है पद, बी में रूप, सी में है धातु, डी में है शब्द। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 22वें का सही ऑप्शन क्या होगा, सी, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक, धातु किसे कहते हैं, धातु क्रिया के क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्या, धातु क्रिया के क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उसे धातु कहते हैं। चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या है, वही चीज़ें, धातु है। इसमें भी वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसका डिस्क्राइब क्या करना आप लोगों को आ ही जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। और तभी हमको, जब आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी हम लोगों को, हमको बताने में अच्छा भी लगेगा। क्रिया का मूल रूप क्या है, वही 24वां भी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक मृतक आश्रित में आया हुआ है 2016 में। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि एक ही एग्ज़ाम में आया हुआ है, बार बार एग्ज़ामों में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ये इसलिए हम ले लिए तीनों क्वेश्चन एक साथ में ही, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि जो क्वेश्चन ये करा रहे हैं क्या ये रिपीट होगा कि नहीं होगा। आप लोगों को बता दें कि जो भी यहाँ हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो और वो आप लोगों को ज़रूर रिपीट होगा और ज़रूर मिलेगा देखने के लिए, बस आप लोग देखते रहिए। आइए 25वां क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं। ठीक है ना, ए में है क्रिया के मूल रूप को, बी में है क्रिया के सामान्य रूप को, सी में है क्रिया को उत्तर रूप में, उत्तर रूप को, और डी है क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो आप लोगों को दिख गया होगा ऑप्शन 25वां का सही ऑप्शन क्या होगा, 25वें का सही ऑप्शन आप लोगों को दिख गया होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है ना, धातु कहते हैं, मतलब क्रिया के मूल रूप को। अब अगला क्वेश्चन 26वां, कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में आई थी, चूड़ी अच्छी थी मैं कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी मैं कौन सी क्रिया है, आप लोगों को बताना है कि चूड़ी अच्छी थी मैं कौन सी क्रिया है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए में है योजक क्रिया, बी में है अधिकार द्योतक क्रिया, सी में है औचित्य बोधक क्रिया, डी में है अप्रत्यक्ष क्रिया। आप लोगों को बताना है, कनिष्ठ सहायक 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, आइए आज हल कीजिए। 26वें का सही ऑप्शन क्या होगा, तो 26वें का सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, 26वां का सही ऑप्शन क्या होगा, 26वां का सही ऑप्शन होगा आप लोगों का बताइए, 26वां का सही ऑप्शन होगा ए, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, तो चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया है, योजक क्रिया है। आइए 27वां क्वेश्चन बताते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, तो आप लोगों को बताना है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ए में होता है गिरना, बी में होता है बोलना, सी में होता है सुनाना, डी में होता है कहना। इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताइए। चलिए, कमेंट बॉक्स में हम, आप लोग नहीं बताते हैं, मैं ही बता देता हूँ, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं सुनाना।
प्रणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? सुनाने को। अब आप लोगों को बताना है कि प्रणार्थक क्रिया कहते किसको हैं, कोई बता सकता है? तो आइए किताबी परिभाषा जानेंगे कि हमारी अपनी परिभाषा जानेंगे जो आप लोगों को समझ में आए। तो पहले मेरी परिभाषा आप लोग जानिए, जिस क्रियावाक्य में कर्ता काम ना करके दूसरे से करवाता हो उसे क्या कहते हैं? प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रियावाक्य में कर्ता काम ना करके दूसरे से करवाता हो उसे प्रणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे शीला निखिल से पत्र लिखवाती है, क्या? जैसे शीला निखिल से पत्र लिखवाती है, जैसे शीला निखिल से पत्र लिखवाती है, ठीक है ना? तो लिखवाती है, खुद नहीं लिखती है। इसमें क्या कह रहा है? जिस क्रियावाक्य में कर्ता काम ना करके दूसरे से करवाता हो उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। इसका ट्रिक क्या है, आप लोगों को इसको पहचानने की ट्रिक बता देते हैं। मान लीजिए आप भविष्य में परीक्षा में भूल गए तो इतना याद रखिएगा कि इस क्रिया में हमेशा से विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति? से विभक्ति आएगी, ठीक है ना? अब विभक्ति तो आप लोग जानते ही होंगे, अभी हालांकि हम पढ़ाए नहीं हैं, पढ़ाएंगे। और दूसरा क्या होगा इसका कंडीशन क्या है? वाता वाता वाती वाया वाई, इन सारे वाक्यों का समावेश होगा, ठीक है ना? उसे प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। अब आइए जो इसमें दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रणार्थक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। चलिए वही चीज़ें हैं, हम सोचे शायद कुछ अलग होगा, वही चीज़ें हैं इसमें भी। चलिए 28वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, UPSI बैच सेकंड का है, दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद सामान नहीं लाए, पिताजी से मंगवाया। हमने क्या बताया था? एक पहचान इसकी क्या अभी बताई थी कि इसमें वाता वाती वाया वाई, तो इसमें क्या है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, खुद नहीं लाई, मंगवाया। तो इसमें कौन सा है? प्रणार्थक क्रिया है। तो 28वें का क्या होगा? डी होगा। 28वें का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए आप लोगों को आशा है समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट में करिएगा, अगले दिन से और अच्छे से हम समझाएंगे, या जो भी सुधार होगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट किया करिए, आप लोगों के कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया क्या होगी? यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, UPPCL स्टेनोग्राफर का 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इसे कह सकते हैं एक तरीके से, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे रटने से काम नहीं चलेगा। ये आप लोगों को जब तक प्रणार्थक क्रिया समझ नहीं पाए होंगे तब तक इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ए में ऑप्शन है दौड़वाना, बी में है रुकना, सी में है दौड़ाना, डी में है दौड़। हमने अभी क्या बताया था? पहला कंडीशन बताया था वातावाती वायावाई, तो इसमें क्या है? बनाना है आप लोगों को प्रणार्थक क्रिया। और दूसरा क्या है? किसी दूसरे से करवाया जाए, तो दौड़वाना क्या है? दौड़वाना शब्द क्या है? ये दूसरे से करवाया जा रहा है। रुकना क्या है? खुद से रुकेगा, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा 29वें का? ए। 29वें का सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है ना? यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होगी? UPPCL ARO 2018 में आया हुआ है। यदि ओढ़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होगी? प्रथम प्रणार्थक क्रिया 30वें का बताना है आप लोगों को। ए में है ओढ़वाना, बी में है उड़ाना, सी में है ओढ़, डी में है उड़वाना, ठीक है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी। 30वें का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, उड़ाना। उड़ाना तो ओढ़ना जो है अकर्मक क्रिया की प्रणार्थक क्रियाएँ निम्न है। पहला ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, प्रथम प्रणार्थक क्रिया उड़ाना होगा, द्वितीय क्या होगी? उड़वाना होगा। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्या होगी? उड़वाना होगा, ठीक है ना? चलिए निम्न में प्रणार्थक क्रिया है 31वां, इसमें कौन सी प्रणार्थक क्रिया है? हमने प्रणार्थक क्रिया के बारे में बता दिया, ए में है चलना, बी में है जगाना, सी में है पढ़ना, तो डी में है बदलना। आप लोग समझ में आ गया होगा, देखते ही मान आप लोग इसे आंसर कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जगाना, ठीक है ना? चलिए अब आप लोगों को बताना होगा 32वां क्वेश्चन,
यूपी 3SSC बीडीओ सन 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये सब कितने अच्छे क्वेश्चन है कि आप क्या बताएं आप लोगों को। अगर कभी मौका मिला तो क्रिया आप लोगों को पढ़ाएंगे इतनी बेहतरीन तरीके से जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारा वीडियो अभी भी आप प्रैक्टिस सेट में भी करते रहेंगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए, ए में है उठना, बी में है चमकना, सी में है गिराना, डी में है देना, ठीक है ना। तो 32वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 32वें का सही ऑप्शन होगा गिराना। गिराना, जिसको भी लगता है कि हमें हिंदी बहुत आती हो ना, उसके पास मेरा वीडियो शेयर करिए। और वो अगर जितना हम क्वेश्चन लेके आते हैं उसमें से पूरा का पूरा करके दिखाए तो हम जाने कितना क्वेश्चन सही होते हैं। कभी कभी आप लोग ये भी बताए गए कि मेरे कितने क्वेश्चन मुझे आ रहे थे जो आपने हल कराया, वो कितने क्वेश्चन मेरे आ रहे हैं, मतलब मेरे द्वारा जो हल कराया जा रहा है आप लोगों को कितना क्वेश्चन आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए जी। एक मिनट कमेंट करने से आप लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको जानकारी होगी कि आप लोगों को, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरा वीडियो समझ रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, या आप लोगों के अंदर कितना प्रोग्रेस हो रहा है। चलिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। ए में है पूर्णकालिक क्रिया, बी में है प्रणार्थक क्रिया, सी में है संयुक्त क्रिया, डी में है पूर्ण क्रिया। नायब तहसीलदार परीक्षा 1992 में आया क्वेश्चन है, तो 33वें का बताना है आप लोगों का सही ऑप्शन क्या होगा। 33वें का सही ऑप्शन होगा प्रणार्थक क्रिया। हमने बताया कि खुद कार्य ना करे दूसरे से करवाए, ठीक है ना। और अगर कुछ ना आए तो इतना याद रखिए कि वाया वाया, वाया वाई, वाता वाती, इन सारे शब्दों का समावेश होगा उसमें। जागना मूल रूप क्रिया का प्रणार्थक रूप क्या होगा, जागना मूल रूप क्रिया का प्रणार्थक रूप क्या होगा। तो 34वें का ए में है जगाना, बी में है जगवाना, सी में है जागवाना, डी में है जाग। आप लोगों को देखते ही सब बातें समझ में आ गई होंगी। सारे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, यूपीपी कांस्टेबल सन 2018 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, जगाना। चलिए, 35वां का क्वेश्चन आप लोग बताना है। हथियाना, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। ए में है नाम धातु क्रिया, बी में है प्रणार्थक क्रिया, सी में है यौगिक क्रिया, डी में है संयुक्त क्रिया। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है ना। आप लोगों को बताना है किसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो 35वें का सही ऑप्शन होगा ए, नाम धातु क्रिया। 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा, नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया कहते किसको हैं, आप लोगों को बताना है कि नाम धातु क्रिया कहते किसको हैं। तो समझ लीजिए, जिस क्रिया के अंत में ना धातु जुड़ी हो उसे नाम धातु कहते हैं, जिस क्रिया के अंत में ना धातु जुड़ी हो उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम एवं विशेषण में आना ईआना प्रत्यय जोड़ने पर जो वाक्य बने उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे महिलाएं ज़्यादा बतियाती हैं, शर्माना बतियाना, ये सब क्या है, ये नाम धातु क्रिया है, ये सब क्या है, ये सब नाम धातु क्रिया है। आइए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा ए, 36वें का, 36वें का बताइए आप लोग। हथियाना में कौन सा क्रिया है, लोअर फर्स्ट परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ए में है प्रणार्थक क्रिया, बी में है संयुक्त क्रिया, सी में है अनुकरणात्मक क्रिया, डी में है नाम धातु क्रिया, ठीक है ना, डी में है नाम धातु क्रिया। तो आप लोगों को बताना है 36वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 36वें का सही ऑप्शन होगा डी, नाम धातु क्रिया। हमने अभी क्या बताया कि जिस क्रिया के अंत में ना धातु जुड़ी हो उसे नाम धातु कहते हैं। तो हथियाना क्या है, याना प्रत्यय लगा है ना, तो इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन बताते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है विशेषण, डी में है क्रिया। तो 37वें का सही ऑप्शन क्या होगा, 37वें का सही ऑप्शन होगा डी, क्रिया। 37वें का सही ऑप्शन क्या होगा, क्रिया होगा। चलिए, इसमें कह क्या रहा है आप लोग समझ पाए हैं। निम्न वाक्य में रेखांकित किए भाग में कौन सा पदबंध है, मतलब असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है, मतलब जो ये चीज़ें हैं सुनी जाती है, ये क्या है। तो ये क्रिया है जहाँ डैश लगा हुआ है, आप इंग्लिश में इसे वर्ब भी कह सकते हैं। चलिए, 38वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। आसना सिलाई का काम करती है, यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सिलाई का काम पदबंध है, बी काम करती है पदबंध है, कि सी में करती है, कि डी में आसना सिलाई का। इसका सही क्या होगा, 38वें का सही ऑप्शन क्या होगा। तो 38वें का सही ऑप्शन होगा काम करती है,
हमने पद जो क्रिया के रूप में काम करे, ठीक है ना। तो चलिए 39वां का आप लोगों को बताना है, 39वां का आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, ए में है क्रिया विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है विशेषण और डी में है क्रिया। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 39वें का, इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्रिया है। अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है ना। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश क्रिया पदबंध है, ठीक है ना। चलिए 40वां का क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, कौन सा क्रिया पदबंध है। तो अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करने से। देखिए ये बुक बहुत ही अच्छी है, इस बुक में क्या है कि सारे क्वेश्चन जो जो एग्जामों में एक क्या ट्रेंड चल रहा है इसको सॉल्व करने से आप लोगों को पता चलेगा। और हमारे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को आज आने वाले एग्जाम में ट्रेंड पता चल जाएगा, क्योंकि हिंदी सारे एग्जामों में लगभग लगभग आ रही है इस समय। तो चलिए इसका, चलिए 41वें का बताइए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए 41वें का, तो 41वें का सही ऑप्शन होगा सी, क्रिया, ठीक है ना। पदबंध क्या है, क्रिया, तो पक्षी होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग समझ नहीं रहे हैं, सॉरी गलती हो गई, हम पदबंध ना बता के हम संज्ञा को बता दिए। चलिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं में क्रिया पदबंध क्या है, तो क्रिया पदबंध क्या है, उड़ रहे हैं पक्षी आकाश में। 40वें का क्या होगा, ए होगा, पक्षी आकाश में अगर उड़ रहे हैं तो ए होगा, ठीक है ना। चलिए 41वें का आप लोगों को बताना है, यूपीपी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तब आप लोगों को बताना है कि क्रिया कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ए में है 3, बी में है 4, सी में है 6, डी में है 2। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं बताइए आप लोग। पहला होती है, दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कल आप लोगों को सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है बताए थे, अकर्मक क्रिया आज नहीं बताएंगे, जिसको समझना हो जा करके तो हमारे पिछली वीडियो को देख ले। चलिए अगला क्वेश्चन, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है, लोअर प्रथम परीक्षा 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है 43वें का। तो 43वें का सही ऑप्शन ए में है पूर्ण भूत, बी में है संदिग्ध भूत, सी में है हेतु हेतु मद भूत, डी में है आसन्न भूत। राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, तो 43वें का सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, संदिग्ध भूत। राम ने खाना खाया होगा, जैसे आपको माँ बोले कि हाँ, कोई पूछे कि आप ही का नाम लेकर बोले कि आपने क्या खाना खाया, तो माँ बोले कि हाँ हो सकता है कि खाना खाया होगा, मतलब कोई कन्फर्म नहीं है, इसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है। उसी तरीके से ये भी पूछ रहा, संदिग्ध भूत मतलब खाया होगा, कोई कन्फर्म नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, संदिग्ध भूत। चलिए आइए 44वां क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस चौड़ी में इसमें चौड़ी क्या है। यूपी 81 रक्षक 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो ए में है सहायक क्रिया, बी में है पूरक क्रिया, सी में है मुख्य क्रिया और डी में है पूरक कर्ता। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, 44वें का सही ऑप्शन क्या होगा, पूरक। 44वें का सही ऑप्शन क्या होगा, पूरक। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस वाक्य में चौड़ी क्या है, चौड़ा पूरक शब्द है। अब पूरक शब्द किसे कहते हैं, पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं। क्या, पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब आप लोगों को बताना है 44वां का, जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ए में है पूर्ण, बी में है पूर्वकालिक, सी में है सजाती, डी में है विधि।
तो 45वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 45वें का सही ऑप्शन होगा डी, जिन क्रियाओं या से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं। क्या? जिन क्रियाओं से आज्ञा या आदेश का बोध होता है उसे विधि क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 46वां, वह खाता होगा इस वाक्य वाक्य की क्रिया किस काल की है? वह खाना वह खाता होगा वह खाता होगा वाक्य क्रिया किस काल की? ए में है संदिग्ध वर्तमान काल, बी में है संभाव्य भविष्य काल, सी में है सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भूतकाल, डी में। 46वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 46वें का सही ऑप्शन होगा ए, संदिग्ध वर्तमान काल है, वह खाता होगा मतलब संदिग्ध है लेकिन वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। जैसे वह खाना खाया होगा तो यह क्या है? ये भूत में है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 47वां, सात शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? ए में है क्रिया विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है समुच्चय बोधक, डी में है संबंध बोधक। यूपी पीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में क्वेश्चन है 47वें का। तो 47वें का आप लोगों को बताना है, ए में है क्रिया विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है समुच्चय बोधक, डी में है संबंध बोधक, ठीक है ना। तो 47वें का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बी होगा, सर्वनाम है। सात शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सर्वनाम शब्द में नहीं प्रयोग किया जाता, क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? अगर कोई पूछ ले कि क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा के बदले प्रयुक्त हुआ है। क्या? क्योंकि सर्वनाम शब्द सदैव संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है या होता हुआ है, ठीक है ना। चलिए 48वां, कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? ए में है संज्ञा, बी में है क्रिया विशेषण, सी में है क्रिया, डी में है विशेषण, ठीक है ना। तो 48वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 48वें का सही ऑप्शन होगा क्रिया। कुछ शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि संज्ञा क्रिया विशेषण एवं विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए 49 का बताइए आप लोग, निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो 49 का ए में ए है मैं कल नहीं जाऊंगा, बी में है ये फूल सुंदर हैं, सी में है लड़का रोते रोते घर पहुंचा, डी में है आज शाम को मत आना। तो 49 का सही ऑप्शन क्या होगा? 49 का सही ऑप्शन होगा सी, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है ना, क्रिया विशेषण है, जबकि अन्य तीनों क्या हैं? अन्य तीनों क्रिया विशेषण नहीं हैं। चलिए 50वां, चलिए आज क्रिया का समाप्त हो चुका है, अगला क्वेश्चन नहीं है, मात्र 49 ही क्वेश्चन था। कल आप लोगों को बताएंगे अव्यय के बारे में, ठीक है ना, कि अव्यय क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अव्यय। अगर जानना होगा तो कल आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल को बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। थैंक यू।